एवरीबॉडी, कैसे आप लोग? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर सेकंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस का, जो कि क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बींग्स होते हैं, वो अपने जैसे यंग बर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, देखिए अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग बर्ड्स बाय देयर ओन काइंड। मतलब वो अपने ही यंग बर्ड्स, अपने ही जैसे यंग बर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे दीजिए, ह्यूमंस, लाइक ह्यूमन, हम लोग लिविंग बींग्स है, हम लोग ह्यूमन बींग है। ठीक है, तो हम अपने जैसे यंग बर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो जो वो प्रोसेस है रिप्रोड्यूस करने की प्रोसेस, उसको क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। ओके, देन वहीं पर अगर कोई कैट है तो हम अपने जैसे अंदर, अगर कोई प्लांट है तो प्लांट का भी प्लांट होता है, कैट है तो उसको जो रिप्रोड्यूस करेगा तो वो कैट को ही रिप्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स डैट कि वो अपने ही जैसे यंग मस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकेंड थिंग ये की आती है कि जो रिप्रोडक्शन है उसकी जरूरत क्यों है, ऐसी क्या वजह है कि जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं या हमें इसकी जरूरत क्यों है, रिप्रोड्यूस क्यों किया जाता है। देखिए, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कोई भी चीज, एक लाइफ स्पैन होता है किसी भी लिविंग बींग का, क्या होता है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, लाइफ स्पैन, व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इस जन्म लेता है और उसकी जो मरने तक का वक्त होता है, ठीक है, उसकी जो बीच का पेड़ होता है, ठीक है, बर्ड से लेकर उसकी डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। सबकी लाइफ स्पैन अलग अलग होती है कि ह्यूमन बींग्स क्या होता है कि 60 इयर्स तक जी सकते हैं, आगे भी जी सकते हैं, तो एक लाइफ स्पैन होता है कि अगर कोई भी एनिमल है तो वो 2 साल तक जी सकता है, कोई प्लांट है तो उसकी जो एज है वो इतनी हो सकती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, लाइफ स्पैन होती है। मतलब कोई भी लिविंग बींग है, अगर कोई भी चीज जिंदा है तो एक टाइम पे वो डेथ हो जाएगी, मतलब वो मर जाएगी। ठीक है, तो उसके मरने के बाद जो स्पीस, मतलब जो हमारी कंटिन्यूटी है जनरेशन की, वो बनी रहनी चाहिए, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। कैसे, कि अगर कोई भी एनिमल है और अगर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है और वो खत्म होता जा रहा, तो वो जो स्पीस आपकी चली आ रही है वो खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी है, रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन की जरूरत हमें तब होती है कि हम किसी भी जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। ओके, आप लोग ये समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों होती है। अब हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स हमारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स को क्या मानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वैसे भी प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको भी हम जीवित मानते हैं, है ना। मानते हैं जीवित होते हैं, वो कैसे होते हैं वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्लांट्स को हम लिविंग क्यों कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि प्लांट जो है, अगर आप O2 ले रहे हो, ठीक है, इट मीन्स दैट कि अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हो तो प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, वो CO2 ले रहे हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है प्लांट्स के अंदर। सेकेंड, आप किसी भी चीज को लिविंग कब कहोगे, आप तब लिविंग कहोगे जब उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स देखोगे, है ना। लिविंग बींग्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, है ना, ग्रोथिंग, लोकोमोशन, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स। ओके, तो जो कैरेक्टर्स है लिविंग बींग्स के, वो क्या है, सबसे पहले आप देखोगे कि आप रेस्पायर करेंगे, मतलब रेस्पिरेशन करेगा, तो अगर कोई भी लिविंग है तो वो सांस लेगा, तो हमारे प्लांट्स भी सांस ले रहे हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग कि वो न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को लेना, मतलब कि खाने की जो प्रोसेस होती है हमारी, हमारे बॉडी को जरूरत होती है न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन को प्लांट भी लेता है, मतलब पानी की भी जरूरत होती है उसको, खाने की भी जरूरत होती है, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, लेकिन वो न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं ना। ठीक है, सेकेंड जो थर्ड थिंग है वो क्या है आपकी, अगर बात की जाए तो ग्रोथ, हमारे जैसे ग्रोथ होती है, जब हम छोटे से होते हैं तो फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, फिर ओल्ड हो जाते हैं, मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है। तो आपने प्लांट्स की भी ग्रोथ देखी, आप छोटा सा सीड लगाते हो धीरे 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 बड़ा हो जाता है, तो मतलब ग्रोथ भी हो रही है। लोकोमोशन और अगर मूवमेंट की बात की जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस, अगर प्लांट्स एनिमल में देखा जाए, मूवमेंट प्लांट्स भी करते हैं लेकिन वो लोकोमोशन नहीं कर रहे। लोकोमोशन का और जो आप बात कर रहे हो कि लोकोमोशन
मोशन और मूवमेंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, मूवमेंट का मतलब होता है कि मैं एक ही जगह पर रहकर मूवमेंट करूँ। ठीक है, लाइक अपना हाथ चला रही हूँ, ये क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। लेकिन लोको मोशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, इट इज कॉल्ड लोको मोशन। तो प्लांट्स लोको मोशन नहीं करते बट मूवमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद एक करेक्टर और है कि वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह से हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे यंगर्स को प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स अपने जैसे यंगर्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने जैसे यंगर्स को प्रोड्यूस करता है, अपने जैसे प्लांट बेबी प्लांट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को ये चीज। अब आगे हम पढ़ते हैं कि ये आपके अपने लास्ट में ये कि जिस तरह से लाइफ स्पैन होता है एनिमल्स का, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनके भी लाइफ स्पैन होता है, कि एक टाइम पे जो प्लांट होता है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हम मेथड्स पढ़ लेते हैं कि जो रिप्रोडक्शन की मेथड्स क्या है। देखिए, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में वो किसके थ्रू होगा, देखिए या तो बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय स्पोर्स एंड बाय सीड्स। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा कि शुगर केन, या फिर आपने रोज का देखा होगा, रोज को आप लोगे तो रोज के अंदर आप स्टेम काट के दूसरी जगह लगा दोगे तो क्या होगा, वहीं से रोज प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, रोज को, रोज प्लांट के अगर स्टेम को काटेंगे और दूसरी जगह लगाएंगे तो एक नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, बाय द स्टेम, स्टेम के थ्रू हो रहा है। अब आपके रूट के थ्रू, रूट के थ्रू बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनकी हम रूट्स लगाते हैं। आपने देखो कि हमें उनकी जड़ों की जरूरत है, रूट का मतलब जड़ होती है, स्टेम का मतलब जो तना होता है उसको स्टेम कहते हैं। रूट का तो मतलब पता है आपको, जड़ें होती है तो हम जड़ों की जरूरत होती है, उसको जड़ उखाड़नी होती है, हमें पूरे दूसरी जगह लगाएंगे तब एक नया प्लांट बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, उसी तरीके से कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक फर्न प्लांट, उसके क्या होते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और लीव्स के थ्रू, आपने लीव देखी होगी कि लीव्स के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स निकलने आने शुरू हो जाते हैं, कलियां टाइप की आ जाती है और वो निकलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से बाय लीव्स भी रिप्रोडक्शन होता है। सबसे जो मेन है वो है हमारा सीड, बाय सीड। बाय सीड कैसे रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का, आपने सीड तो देखा है, सीड हमारा बहुत हार्ड होता है। ठीक है, हम सीड लगाते हैं और नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर सीड की बात की जाए, उसकी अगर बात की जाए तो देखिए इस तरह से हमारा सीड होता है। ठीक है, ये हमारा सीड है। अगर आप सीड की बात करोगे तो आपका ये जो होता है, इट इज अ सीड कोट, इसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। इट मींस दैट कि सीड क्या कर रहा है, सीड कवरिंग कर रहा है, सीड को कवरिंग की। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पता, सीड कोट हो गया, जो आउटर कवरिंग होती है सीड की वो क्या कहलाती है, सीड कोट कहलाती है। सीड कोट का काम क्या होता है, देखिए सीड कोट का काम होता है कि जो एम्ब्रियो है, क्योंकि आपके जो सीड है उसके अंदर एम्ब्रियो होता है जिससे नया प्लांट बनना शुरू होता है। ठीक है, तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और एक और चीज, इसको जो वाटर पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, वो भी सीड कोट पहुंचाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका एम्ब्रियो, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो की बात की जाए तो होती है कॉटिलीडन्स। कॉटिलीडन्स का मतलब होता है जिनको हम क्या कहते हैं, सीड लीव्स भी कहते हैं। देखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर टू कॉटिलीडन्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉटिलीडन पाया जाता है। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर दो कॉटिलीडन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डाइकोट प्लांट्स। क्या कहते हैं, डाइकोट। और जो जिनके अंदर सिर्फ एक वन कॉटिलीडन होता है उनको क्या कहते हैं, मोनोकॉट। क्योंकि मोनोकॉट का मतलब क्या होता है, वन, और डाई का मतलब होता है डिफर, तो मतलब कि एक से ज्यादा। ठीक है, मोनो का मतलब सिर्फ सिंगल। तो कॉटिलीडन्स जो होते हैं वो क्या हो गए कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर, ऐसे सीड्स जिनके अंदर टू कॉटिलीडन्स पाए जाते हैं उनको हम डाइकोट कहते हैं, और ऐसे सीड जिनके अंदर सिर्फ एक कॉटिलीडन होता है उनको हम मोनोकॉट कहते हैं, मोनोकॉट कहते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो डाइकोट की, तो डाइकोट में आता है आपका बीन्स, पीस, ये सारे क्या होते हैं, डाइकोट सीड्स होते हैं। और अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए मोनोकॉट का, तो मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स होते हैं आपके लाइक वीट, है ना, वीट जो गेहूं होता है आपका, और आपका मेज है ना, तो ये सब क्या होते हैं आपके मोनोकॉट है। ओके, अब पढ़ेंगे जर्मिनेशन। व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेट का मतलब क्या होता है, फूटना। ठीक है, जब हम कोई
कोई भी सीन लगा देते हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। लाइक उसके फोर बहुत सारी स्टेजेस होती है कि एक छोटा सा हम सीन यहाँ पे लगा रहे हैं और वो क्या है बहुत सॉफ्ट है, लेकिन कुछ दिन बाद आप एक सीन देखोगे तो उसके अंदर छोटी छोटी चीजें कि बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाता है ना, निकलना शुरू होता है धीरे धीरे, फिर वो बढ़ने लगता है, लीफ में चेंज होने लगता है, इस तरह से हमारे जो प्लांट होते हैं वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो जर्मिनेशन का मतलब है, जर्मिनेशन हमारी वो स्टेज होती है, जर्मिनेशन का मतलब है जब प्लांट जो होता है सीड क्या होता है सीडलिंग में चेंज होना शुरू हो जाता है, तो उस प्रोसेस को उस स्टेजिंग को हम क्या कहते हैं जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद आता है कि जर्मिनेशन होने के बाद कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्पर्स होना, डिस्पर्सल क्या होता है, व्हाट इज डिस्पर्सल, डिस्पर्सल का मतलब है स्प्रेडिंग और द स्क्रैटिंग, इतनी स्टेट की सीड का स्कैटर होना फैलना। देखिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका एक जगह से दूसरी जगह सीड जाता है और उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए कौन कौन हेल्प करते हैं हमारे कुछ उसके भी मेथड से, लाइक देखिए सबसे पहले आपका आता है अगर आप बात करो कि किसके थ्रू डिस्पर्सल होगा तो बाय द वॉटर, बाय द एयर, बाय द एनिमल्स। कोई भी प्लांट अगर वॉटर के अंदर है ठीक है, तो वॉटर के थ्रू जो सीड्स है वो बहते हुए दूसरे प्लांट तक जा सकते हैं, तो क्या हो रहा है वो स्प्रेड हो रहा है, ये स्कैटर हो रहा है किसके थ्रू, वॉटर के थ्रू। तो कोई भी सीड अगर वॉटर के थ्रू डिस्पर्स हो रहा है स्प्रेड हो रहा है तो हम उसको कहेंगे बाय द वॉटर वो डिस्पर्स हो रहा है, या अगर वो एयर के थ्रू हवा के थ्रू जा रहा है तो वो हवा मतलब बाय द एयर हो रहा है, और अगर वो किसी इंसेक्ट के थ्रू या फिर किसी एनिमल के थ्रू जो उनके अगर कोई एनिमल उस पर बैठ रहा है कोई इंसेक्ट उस पर बैठ रहा है और वो उसके लेग्स पे चिपक जाते हैं सीड्स और वो दूसरे प्लांट में जाकर बैठेगा तो वो वहीं से वो ले लेगा उसको सीड्स को और एक नया जो प्लांट होगा वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस तरह से आपका डिस्पर्सल हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, एक समराइज कर लेते हैं उसको पूरा समरी। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो यंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे यंगर्स को प्रोड्यूस करते हैं पर अपने ही काइंड्स के। ठीक है, तो ये आपकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थी। उसके बाद था कि आपका जर्मिनेशन क्या होता है, जब सीड सीडलिंग में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है तो उस स्टेज को उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। जो आपका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो काफी तरह से होती है, जो मेथड्स है बाय द रूट, बाय द स्टेम, बाय द सीड्स, है ना, और जो सीड्स का डिस्पर्सल होता है वो भी बहुत तरह से होता है, बाय द विंड, बाय द वॉटर। ओके, तो बहुत तरह से एक जगह से दूसरी जगह सीड जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो अगर आपको कहीं भी कोई भी समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी पॉइंट मिसिंग हो गया होगा, तो प्लीज कमेंट सेशन में जरूर पूछें। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।